देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसकी हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है, पहले ये समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है और फिर हम समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे जो मेन चीज पहले आती है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता किस लिए है। ठीक है, एक इन्वेस्टर जो है अपना रुपया इन्वेस्ट करता है, आई एम इन्वेस्टर, मैं किसी कंपनी में रुपया लगा रहा हूँ कैसे, या तो उस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ या उसमें डिबेंचर्स परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, या बैंक में एफडी करवा रहा हूँ। ठीक है, या और किसी भी तरह से किसी को उधार दे रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? इन्वेस्टर जो अपना रुपया है, अपनी जो सेविंग है, अपना जो मनी है, ठीक है, अपनी सेविंग को इसमें लगाता है, इनमें। ठीक है, क्यों लगाता है? कि इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स पाने की उम्मीद में, कुछ एक्स्ट्रा इनकम पाने की उम्मीद में वो ऐसा करता है। ठीक है ना, तो अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलनी हो तो शायद वो अपना रुपया इस तरह से नहीं लगाएगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब इन जनरली जो हम बोलते हैं कि भैया कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब हम समझते हैं लागत से। तो हम जब जनरली पूछते हैं कि बताओ भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती होगी, तो आप कुछ इस तरह से बताएंगे कि देखिए सर, जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक हमें लोन देने वाला हो गया और हम लोन लेने वाले हो गए, तो बैंक हमसे उस पर जो इंटरेस्ट लेगा वो हमारे लिए कॉस्ट हो गई, वो हमारे लिए इसकी लागत हो गई। इसी तरह से जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करेंगे, ठीक है, तो उस पर हमें प्रेफरेंस शेयर्स वाला डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे लिए कॉस्ट हो गई, लागत हो गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप इन जनरल आप ये कहते हैं कि जो कुछ हमें पे करना पड़ता है, ठीक है, जो कुछ हमें पे करना पड़ रहा है उसी का उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, जो कुछ हमें बाय डिफॉल्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना, वही हमारे लिए कॉस्ट होती है। हम ये मानकर चलते हैं, अभी तक इन जनरली हम ये समझते आए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, इन्वेस्टर के रूप में मुझे क्या मिल रहा है, उसी उम्मीद में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक कंपनी जिसको वो रुपया मिल रहा है, उस कंपनी के नजरिए से मैं कहूँ तो वो लागत हो जाएगी, कि जो कुछ वो पे कर रही है वो उसके लिए लागत होगा। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा ही है? क्या एक्चुअल में इसी तरह से होता है? अगर एक्चुअल में इसी तरह से होता तो अब इस क्वेश्चन का जवाब खोजने की कोशिश करो। आपने ये देखा होगा लिखा हुआ 10% डिबेंचर्स। ठीक है, 10% डिबेंचर्स का मतलब जितने डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं, ठीक है, ये मान लो एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो इस पर 10% की दर से इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। आपने देखा होगा 12% प्रेफरेंस शेयर, मतलब जितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो जितने रुपए के हैं, तो 12% आपको जो है डिविडेंड देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है ऐसा लिखा हुआ 15% इक्विटी शेयर्स? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स पर कुछ निश्चित होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर्स के केस में ये हो सकता है कि भाई लास्ट में हमारे पास कुछ बचा सबकी पेमेंट करने के बाद, जो कि हम लीवरेज में समझ भी चुके हैं कि सबकी पेमेंट करने के बाद अगर लास्ट में कुछ बचा तो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिया, इस बार आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो आपकी लागत भी जीरो होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले क्या कर लेंगे हमारा, ठीक है, हम तो नहीं देते इस तरह से, हमारे लिए तो ये सबसे सस्ता साधन हो जाएगा, हम हर बार उनको पेमेंट नहीं करेंगे,
वो कर क्या सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो जो जो कंपनी एक्ट है वही ये कहता है कि जी जो सबसे लास्ट में बचा वो उनका होगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, वो ये जरूर कर सकते हैं कि अब देखो अकेला इन्वेस्टर तो हो सकता है कुछ नहीं कर सके मिस्टर एक्स तो, लेकिन उसके जैसे जब बहुत सारे इन्वेस्टर हैं और उन्होंने एबीसी कंपनी ये समझना चाह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम देना चाह रहे हैं वो है या कुछ और है, है ना। तो उस चीज को हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में जितना हम पे कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या इसके अलावा कुछ और है, उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि 15% की रेट की एक्सपेक्टेशन में आपके इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब आप कह रहे हैं हमने तो नहीं दिया, हमने तो सिर्फ उनको 8% दिया, तो हमारी तो लागत 8% होगी। वो क्या करेंगे भाई, वो एक काम करेंगे, आपको पता है कि सारे जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें लिस्टेड है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने शेयर्स बेचकर निकल जाएंगे, किसी और कंपनी को ढूंढेंगे जो उनको 15% का रिटर्न देती हो। जब आप उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे तो आपके शेयर्स को बेचेंगे, किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। मिस्टर एक्स ऐसा ही करेगा, वाई ऐसा ही करेगा, जेड और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा ही करेंगे। अब आपको पता है, इतनी तो कॉमन सी बात अब आपको सुनने आने लगी होगी कि जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स किसी कंपनी के शेयर्स को सेल करेंगे, बेचेंगे, ठीक है, तो खरीदने वाले तो कम हो गए, बेचने वाले ज्यादा हो गए, तो शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है वो गिरना शुरू हो जाएगा, उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, तो कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस गिरने लग जाएगा। कौन कंपनी ऐसा चाहेगी कि उसके शेयर्स का मार्केट प्राइस गिरे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, जो हम दे रहे हैं वो नहीं है, एक्चुअल में जो इन्वेस्टर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको इस रूप में लिखना चाहूँ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, एक मिनट मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूं ताकि आप इसको आराम से देख सकें। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर डिजायर कर रहे हैं कंपनी से, ठीक है, सो दैट द कंपनी, सो दैट द कंपनी कैन मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिख रहा हूँ, करंट मार्केट प्राइस। आज अगर किसी कंपनी के शेयर्स, अभी इसमें और भी कुछ हम लिखेंगे, आज अगर किसी कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस अगर 50 रुपए है, ठीक है, और आपके इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस उम्मीद में कि हमें 15% का रिटर्न मिलेगा, और आप 15% ही दे रहे हैं, तो ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी, 15% रिटर्न दिया, कितना, 15%, शेयर खरीदा कितने में, 50 का, तो 50 रुपए का ही बना रहेगा वो मार्केट प्राइस बना रहेगा। अब अगर आप 15 के बजाय उनको 16% रिटर्न देंगे तो वो और ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहेंगे और शेयर्स का प्राइस 50 से बढ़ेगा। और अगर आप उल्टा करेंगे कि 15% के बजाय उनको कम रिटर्न देंगे, 10% देंगे, तो वो आपके शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे और आपके शेयर्स का मार्केट प्राइस गिर जाएगा।
ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो नहीं है जो हम देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है जो इन्वेस्टर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब इसका मतलब हो गया कि भाई अब इन्वेस्टर हमसे 15% चाह रहे हैं तो कंपनी को कम से कम 15% तो कमाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर मैं और आगे इसको एक्सप्लेन करूं, ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए कम से कम कंपनी को अर्न करनी जरूरी है। ठीक है, इट इज दैट मिनिमम रेट, ठीक है, टू बी अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, ठीक है, ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इट इज दैट मिनिमम रेट टू बी अर्न, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी सो दैट इट कैन मेंटेन, ठीक है, इट्स इन्वेस्टर इनटू, या सिंपली बस मैं ज्यादा और उसमें नहीं जाता, इट कैन मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस, इतना ही कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर, मैं लिखना ही चाह रहा था, जैसे मैं बता दूं कि सो दैट ये अपने इन्वेस्टर्स को अपने पास रोक के रख सके, ठीक है, उनके विश्वास को बनाए रख सके। अब जब विश्वास बनाए रखेंगे, इन्वेस्टर वहां रुके रहेंगे तो मार्केट प्राइस अपने आप ही बना रहेगा। तो इसलिए बात उतनी कर लीजिए कि करंट मार्केट प्राइस को बनाए रखने के लिए जो रिटर्न अर्न करनी जरूरी है, ठीक है, वो मिनिमम, वो रेट ही इसकी जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। अब एक बात और मैं बता दूं, अब ये रेट ऑफ रिटर्न कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिस्टर राम कह रहा है मुझे तो 20% चाहिए, श्याम कह रहा है नहीं मुझे 25% चाहिए, कोई और है वो कह रहा है मुझे 18% चाहिए। भैया इस तरह की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो इसलिए ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, जैसे मार्केट डिमांड की बात करते हो ना, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड वो है जो इन जनरली मार्केट एक्सपेक्ट करती है, इंडिविजुअली कितना एक्सपेक्ट कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी वही है, ठीक है ना। तो मैं ये चीज और लिख दूं ताकि और क्लियर हो जाए, इट इज जनरल एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, बाय द इन्वेस्टर्स, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन। इंडिविजुअली कोई आदमी कितना चाह रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, इन जनरल ऑन एन एवरेज, ठीक है, जनरल का मतलब मैं कह सकता हूँ एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर कितना चाह रहे हैं हमें उससे मतलब है, ठीक है। इंडिविजुअली आपको 15 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। अब इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, मैं कल भी आपको बता रहा था, के से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल के से हम इसको डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है, के से हम इसको डिनोट करके चलते हैं। अब आप इस तरह से समझ लो, आपके जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, बेसिकली कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, ठीक है, जो हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकालते हैं वो इन जनरल हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज के निकालते हैं। तो कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं, उनमें एक आते हैं इक्विटी शेयर, दूसरे आते हैं प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, फिर आते हैं आपके लॉन्ग टर्म लोन, इसमें आपका डिबेंचर, बैंक लोन वगैरह सब इसी में आ गया भैया, अलग अलग नहीं लिख रहा मैं, बेसिकली चार कैटेगरी बनेगी आपकी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, वो
उसका नाम है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिटेन अर्निंग क्या होती है, देखो आपने पढ़ा होगा कि रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो आपने अभी लीवरेज में हमने समझा था कि ये हमारी ईबीआईटी होती है, ठीक है ना। एक मिनट, कि ये हमारी ईबीआईटी होती है, इसमें से हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया, टैक्स लेस कर दिया, प्रेफरेंसेस को डिविडेंड लेस कर दिया, लास्ट में नेट इनकम कहलाती है। अब ये जो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है जनरली, इसको भी सारे को हम नहीं बांटते, इसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। मान लो हमारे पास 1,00,000 रुपया बचा, तो मान लीजिए हमने 60,000 रुपए तो डिविडेंड बांट दिया, 40,000 रुपए हमने अपने पास रख लिए, जो हम अपने पास रख लेते हैं उसी का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। हिंदी में इसको बोलते प्रतिधारित आय भी बोल देते, प्रतिधारित आय, रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो अगर हम उसी डेफिनेशन से चल रहे होते कि जो कुछ आप दे रहे हो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो फिर रिटेन्ड अर्निंग पर तो हम कुछ देते ही नहीं, है ना। 40,000 रुपए ये जो पैसा है ये हमारे लाभ का हिस्सा है जो हमने अपने पास रख लिया। अब आपसे मैं पूछूं क्या इस पर आपको कुछ पे करना है, कोई डिविडेंड पे करना है, नहीं देना, कोई इंटरेस्ट पे करना है, नहीं देना, तो इस पर तो कुछ भी देना ही नहीं है। इसका मतलब इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो जीरो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से। अब देखो है क्या, आप ध्यान से समझना इस बात को कि नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये किसकी इनकम है, ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम है। इस पर हक किसका है, इसके मालिक कौन है, इक्विटी वाले। अब हम उनको 60,000 रुपए तो आज डिविडेंड के रूप में बांट रहे हैं, उनके हिस्से के 40,000 रुपए हम अपने पास रख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर्स हमसे पूछेंगे भाई ये पैसा हमें क्यों नहीं मिला, बायलो पूछ नहीं सकते, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो अगर वो हमसे पूछते भाई पैसे हमारे पास क्यों रख, हमें क्यों नहीं दिए, आपने अपने पास क्यों रख लिए, तो कंपनी वाले कहेंगे देखो भाई ये जो पैसा है जो हम बचाएंगे इसको हम कंपनी में फिर से रीइन्वेस्ट करेंगे, कंपनी और ग्रोथ करेगी, कंपनी इससे फिर और ज्यादा इनकम कमाएगी, और आपको अभी ये जो 40,000 है ना आने वाले टाइम में इस पर रिटर्न बढ़कर मिलेगा, इस 40,000 के थोड़े टाइम बाद आप देखते जाओ जी 60,000 रुपए बन जाए। यानी कि एक्चुअल में क्या है, अभी भी उन इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि ये पैसा है हमारा, हमें नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में हमें बढ़कर मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है, ठीक है। तो इसलिए जो रिटेन्ड अर्निंग जो होती है इसकी एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में कॉस्ट नहीं होती, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से सब वाकिफ हो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि मान लीजिए एक किसान के पास खेत है, ठीक है, और उसमें गेहूं उगा रहा है, लेकिन उसी टाइम पर वो सरसों भी मान लीजिए बो सकता है, तो अब वो अगर मान लीजिए गेहूं प्रोडक्शन कर रहा है और सरसों को छोड़ रहा है, तो जितने कीमत उसको सरसों से मिल सकती थी वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मतलब किसी एक ऑप्शन को लेने के लिए दूसरा ऑप्शन जो छोड़ते हैं उसमें कितना उसको नुकसान हो रहा है, जो उसको छोड़ना पड़ रहा है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये इन्वेस्टर कहेंगे कि भैया ये 40,000 रुपए अगर देखो हमें मिलते ना तो 10% तो यार हम भी कमा लेते, इस पर हम बैंक में जमा करके 10% का रिटर्न अर्न कर लेते। तो अब यानी कि इस रिटेन्ड अर्निंग के भी 10% तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि इन्वेस्टर 10% तो खुद ही कमा लेते, तो कम से कम इतना तो आपको एक्स्ट्रा अर्न करके उनको देना पड़ेगा ही, ठीक है। अब ये जो अलग अलग सोर्सेज की कॉस्ट हम पहले निकालना सीखेंगे, जो इक्विटी शेयर की कॉस्ट को हम डिनोट करेंगे KE से, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो KP लिख देंगे, लॉन्ग टर्म डेट की बात करेंगे तो KD लिख देंगे, और रिटेन्ड अर्निंग के लिए जब हम बात करेंगे तो KR लिख देंगे, ठीक है। और ये जो हम अलग अलग सोर्सेज की कॉस्ट निकाल रहे हैं इनका नाम होता है, इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अलग से लिख देता हूँ मैं। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं इस तरह से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होती है स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
जैसे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग से निकाली, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अलग से निकाली, कॉस्ट ऑफ डेट अलग से निकाली और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अलग से निकाली। और जब इस पूरे फंड्स की टोटल ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दूसरी होती है, इस टोटल फंड की कुल लागत कितनी है, इसका एक और भी नाम है, आगे समझेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम के ओ से भी डिनोट करते देते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिर्फ के लिख देते हैं तब भी वही बात है, और डब्ल्यू ए सी सी भी लिख देते हैं, इससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और तो अब हम जो हमारा जब चैप्टर शुरू करेंगे तो पहले हम सारी फंड्स की अलग अलग कॉस्ट निकालना सीखेंगे और फिर उसकी ओवरऑल निकालेंगे। अब मैं उसको शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें और भी है जो बतानी जरूरी है अभी, ठीक है, अभी उसको भी समझते हैं क्योंकि आज हम बेसिक कंसेप्ट्स की ही बात कर रहे हैं। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसका एक और भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको एक और भी कैटेगरी में बांटते हैं एक और आधार पर। एक होती है इसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हिंदी में बोलूंगा मैं स्पष्ट लागत, और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको मैं बोलूंगा निहित लागत, गर्भित लागत, निहित या गर्भित लागत, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया एक्सप्लिसिट कॉस्ट की अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन पर जाऊं तो ये बड़ी वाइड है, ठीक है, लेकिन ये अभी हम 8th सेमेस्टर में जब जाएंगे तब उसको दोबारा से देखेंगे, अभी मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा। अभी आप मोटे तौर पर इतना समझ लो, इतना भी आपके लिए काफी है कि जो लागत हम स्पष्ट रूप से दे रहे हैं, लाइक इक्विटी शेयर है, ठीक है, तो उस पर हम क्या दे रहे हैं, डिविडेंड जाता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे डिबेंचर्स हैं उस पर हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट साफ साफ जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स पर हम पे कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, एक्चुअल में जाता हुआ नजर आ रहा है कि हम पे कर रहे हैं, है ना, ये लागत स्पष्ट रूप से दे रहे हैं, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग अभी मैं बात कर भी रहा था, इस पर हम क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, जाता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना हम इस पर डिविडेंड दे रहे हैं ना हम इस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी इसकी लागत है। इसकी लागत कैसे है, इसकी लागत ये है कि हमारे इन्वेस्टर आके हमें कह रहे हैं कि भाई देखो इस पर 10% तुम खुद भी कमा सकते थे, तो इसलिए कम से कम 10% तो कमा के देना ही, ज्यादा दे सको तो अच्छी बात है, जो हमारा पैसा आप अपने पास रख रहे हो तो कम से कम इससे अधिक कमा कर देना हमें। तो लागत नहीं है फिर भी लागत है, उसकी एक अवसर लागत है, ठीक है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इस तरह से इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्लासिफाई करते हैं। अब एक बात और भी जरूरी है कि अब हमें ये समझ में आ गया कि इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, अभी तक जो हमने समझा वो हमारे ये समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेसिफिक और ओवरऑल होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होती है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे इन्वेस्टर की जनरली जनरल एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, हमें पता चला कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जनरल एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, जैसे भी इन्वेस्टर्स, इक्विटी वाले प्रेफरेंस वाले, ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि फिर इन्वेस्टर चाहते क्या है। हमने कहा भैया इन्वेस्टर जो चाहते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अब क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्टर चाहते क्या है, ठीक है, व्हाट डू दे वांट, वो चाहते क्या है, अब जरा उसकी हम बात करते हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब जो है उसके पास 1 लाख रुपया है, इन जनरली समझना इस बात को, ठीक है, उस बच्चे के पास 1 लाख रुपया है और वो जा रहा है बैंक में रुपया जमा करवाने के लिए, और बैंक में इस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट नियर अबाउट 7% के आसपास होगी, ठीक है, तो मान लो 60% मान लेते हैं, 7% की रेट चल रही है,
मैंने उसको रास्ते में रोककर पूछा कि भाई ये कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा जी 1 लाख रुपए हैं बैंक में जमा करवाने हैं 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है, मैंने पूछा उससे भाई क्या मिलेगा आपको, उसने कहा जी 7% की रेट से मुझे रिटर्न मिल जाएगा, 7% की रेट से मुझे ब्याज मिल जाएगा, तो 1 साल बाद ठीक है 1,07,000 रुपीज मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ये 1 लाख रुपए तो बैंक में मत जमा करो, ये 1 लाख रुपए मुझे दे, गिव इट टू मी, और यही 7% का ब्याज मैं आपको दे देता हूँ, 1 साल बाद ले लेना मुझसे। क्या उसे मुझे वो रुपया देना चाहिए? अब आप खुद सोचिए, क्या अगर आप वहां होते तो क्या आपका जवाब हाँ होता? ठीक है, मेरे ख्याल में आपका जवाब ना होता, नो, क्लियर कट नो कर देते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप ये कहते हैं कि देखो जी 7% का ब्याज हमें बैंक में मिल रहा है बिना किसी जोखिम के, बिना किसी रिस्क के, तो मैं बिना वजह आपको देकर क्यों रिस्क उठाऊंगा भाई? 7% ही आप दे रहे हो, 7% ही बैंक दे रहा है, लेकिन आपके में रिस्क है, पता नहीं आप वापस दोगे भी कि नहीं दोगे। बैंक से पक्का है कि वो मुझे 7% के साथ मुझे वापस बीच में भी जो है लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, स्क्रीन दिख रही है आपको? नो सर। देख पा रहे हो स्क्रीन? यस सर। बेटा बेटा म्यूट म्यूट हो जाओ फिर। पर आपकी दो आवाजें आ रही हैं।
जी देख पा रहे हो? ठीक सर। सर। है बेटा, ठीक है। तो देखिए बीच में कुछ कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो अब मैं बात कर रहा था कि वो चाहते क्या हैं, इन्वेस्टर चाहते क्या हैं, उसका जवाब ढूंढना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि भाई 1 लाख रुपए, ठीक है, 7% की रेट से वो बैंक में एफडी करवाने जा रहा था। हमने कहा कि लाओ भाई ये 1 लाख, जो इतना ही रुपया हम आपको दे देंगे, लेकिन उसने हमें मना कर दिया। ठीक है, क्यों मना कर दिया? क्योंकि जब उसको बिना किसी जोखिम के, बिना किसी रिस्क के उतना रिटर्न मिल रहा है, तो वो मेरे को देखकर रिटर्न जो मतलब उतना ही रिटर्न लेने के लिए मुझे पैसा देकर क्यों जोखिम उठाएगा? लेकिन अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई देखो मैं तुम्हें 10% दे दूंगा, अब तो मेरे पास जमा करा दो, शायद अब वो उसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। मे बी, मैं ही नहीं कह रहा कि पक्का जमा करवा ही देगा, लेकिन अगर उसको लग रहा होगा कि चलो 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न जो है वो सफिशियंट है, तो वो मुझे जमा करवा देगा। ठीक है, आप में से हो सकता है कि अब मेरे लिए एग्री हो जाए। अब आपसे ही कोई और मिस्टर वाई जेड पूछ रहा है, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते या बहुत कम जानते हो, और वो कह रहे हैं लो जी 10% मैं दे देता हूँ। अब शायद आप हो सकते हैं 10% पर भी जमा ना करवाओ। अब आप शायद एक्सपेक्टेशन रखो कि नहीं यार 10 नहीं, 15% होना चाहिए कम से कम, तब हम जमा करवाएं। ठीक है, एक्चुअल में देखो आप कर क्या रहे हो, आप यानी कि इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या चाह रहे हैं? इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, कि इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन वो चाहता है कि देखो रिस्क फ्री रिटर्न तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 7% जो मिल रहा है बैंक में उससे तो कम मैं लूंगा ही नहीं, प्लस जो रिस्क मैं उठा रहा हूं उस रिस्क के नाम का प्रीमियम चाहिए। अब ये रिस्क प्रीमियम कितना है ये डिपेंड करता है रिस्क पर। अब अगर उनको ये लगता है, आपको ये लगता है कि चलो 7% ये, और सर भाई कहाँ जाने, यहीं तो मिलेंगे, कहीं इधर उधर तो जाने से रहे, ठीक है चलो कोई नहीं थोड़ा सा जोखिम उठा लेते, 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है आई थिंक काफी है, तो चलो 10% पर दे देते हैं। और कोई और व्यक्ति आपको जो लगता है, ठीक है, जहां आपको और ज्यादा जोखिम महसूस होता है, वहां आप 7 के बजाय शायद इसमें 5% और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे, शायद 12% पर आप एग्री हो। कहीं और ज्यादा जोखिम है तो फिर आप 5 के बजाय भी आप हो सकता है 7% और जोड़कर 14% का रिटर्न चाहें। मतलब एक इन्वेस्टर इन जनरली चाहता है कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। और रिस्क कितनी तरह का होता है वो अभी हम लीवरेज वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। इस चैप्टर में जब हम आगे CAPM मॉडल पढ़ेंगे तब आपको इन डिटेल दो और क्लासिफिकेशन होते हैं इसके, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क, वो और बताएंगे। ठीक है, अभी तो आप इतना ही समझ लो। तो जितना उस बिजनेस का बिजनेस रिस्क है, अभी आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग लीवरेज से मेजर करते हैं, जितना उसका फाइनेंशियल रिस्क है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा मेरी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यानी कि मेरे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। तो प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क, ठीक है, एंड प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अब ये हमारे एक बात कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो रिस्क फ्री रिटर्न, उसके ऊपर जितना जोखिम उतना ही वो पुरस्कार एक्स्ट्रा चाहता है, उतना ही ज्यादा वो रिटर्न चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है ये कंसेप्ट अब हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया। अब इस चीज के बेस पर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये चार सोर्सेज में फिर से लिख देता हूँ, एक तो लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर हो गया, एक हो गया इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग को अभी मैं छोड़ देता। अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे महंगा कौन सा होगा?
सबसे महंगा सोर्स कौन सा हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, जो कुछ आपने अभी पढ़ा वो कितना समझ आया वो पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे महंगा सोर्स कौन सा होगा। सर इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, लेकिन रीजन क्या है उसके लिए? देखो, अब आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट में जनरली डिबेंचर्स आते हैं, और डिबेंचर्स आपको पता है सिक्योर्ड होते हैं, है ना। अगर डिबेंचर्स पर आपने प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं की या इवन इंटरेस्ट की भी पेमेंट नहीं की, तो वो आपकी कंपनी की एसेट्स को बिकवाने का अधिकार रखते हैं। वो तो आपकी एसेट्स को बिकवा देंगे और वहां से अपने रुपए की वसूली कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब कंपनी, देखो दोनों नजरिए से देखना, कंपनी इन्वेस्टर, तो कंपनी के लिए तो लॉन्ग टर्म डेट में सबसे ज्यादा जोखिम है, ठीक है। ये प्लस माइनस से तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो कंपनी के लिए तो इसमें सबसे ज्यादा जोखिम है, मैक्सिमम रिस्क है, और इन्वेस्टर के लिए इसमें मिनिमम रिस्क है, इन्वेस्टर को इसमें सबसे कम जोखिम, ठीक है। मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, देखो बैंक एफडी है जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें जोखिम है ही नहीं, लेकिन इन तीनों में जोखिम है, लेकिन सबसे कम जोखिम किसमें? इसमें, ठीक है। और सबसे ज्यादा जोखिम किसमें? इसमें। कंपनी के नजरिए से सबसे कम जोखिम इक्विटी में, क्योंकि कुछ लास्ट में बचा तो दे देंगे, ना तो ना से, कंपलसरी कुछ नहीं। लेकिन इन्वेस्टर के नजरिए से देखोगे तो सबसे ज्यादा जोखिम इक्विटी, इक्विटी कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा उसका कोई लेवल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। डिविडेंड के मामले में लास्ट में कुछ बचा तो देंगे, वो भी जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करें। और जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो कंपनी जो आपको पूंजी जो वापस मिलेगी वो सबसे लास्ट में कुछ आपके लिए बचा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जोखिम सबसे ज्यादा होता है। कंपनी के लिए उल्टा चलेगा, कंपनी के लिए ये सबसे ज्यादा जोखिम वाला, ये सबसे कम जोखिम वाला, और ये बीच में पड़ता है। और इन्वेस्टर के लिए ये सबसे ज्यादा जोखिम वाला इक्विटी, और लॉन्ग टर्म डेट सबसे कम जोखिम वाला होता है, ठीक है ना। तो अब जरा बात हुई, अगर मान लो मुझे पता है कि वे बैंक में एफडी 7% चल रही है, तो मैं 7% 7% 7% ये तो सब मैं चाहूंगा ही, इतना परसेंट तो चाहूंगा ही। अगर मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करके भी, इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर मार्केट में आने के बाद भी 7% ही कमाना हो, फिर तो वे बैंक में एफडी थी ना, नहीं कमा लेता मैं। तो 7% तो मुझे चाहिए ही चाहिए। प्लस अब क्योंकि इक्विटी में जोखिम ज्यादा है इसलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा, इसमें जोखिम कम है इसलिए मैंने कहा चलो साथ में 3% भी एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो चलेगा, 10% काफी है। इसमें कहा भाई चलो थोड़ा सा इससे जोखिम ज्यादा है ना, प्रेफरेंस शेयर्स में जोखिम ज्यादा है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बचा तो देंगे, कंपलसरी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इक्विटी के मुकाबले कम जोखिम है, तो यहाँ चलो मैंने 5% भी ऐड कर दिया, 12% भी काफी है। और इक्विटी के मामले में आपकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा होगी, आप कहेंगे अरे यार 12% ही कमाना था तो प्रेफरेंस शेयर्स में लगा देता, 10% ही कमाना था तो मैं डिबेंचर ही खरीद लेता, या 7% ही कमाना था तो मैं बैंक में एफडी करवा देता। यहाँ जब मैं इक्विटी में आया हूँ तो मैं ज्यादा ऊंचे एक्सपेक्टेशन में आया हूँ, ज्यादा ऊंचे रिटर्न की उम्मीद में आया हूँ, मुझे रिटर्न 14% चाहिए, 15% चाहिए। तो इस तरह का जो एक्सपेक्टेशन जो है आप इन्वेस्टर्स करेंगे इक्विटी में, है ना। और जो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन करते हैं वही हमारे लिए लागत है, और जिसकी जितनी ज्यादा लागत है वही उतनी ज्यादा हमारे लिए महंगी है। तो इसलिए एक और निचोड़ पर हम पहुंचे, एक और निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, यह चीपेस्ट सोर्स, और इक्विटी है, इक्विटी सबसे ज्यादा कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली वन, मोस्ट कॉस्टली सोर्स, सबसे महंगा सोर्स होता है ना। इसीलिए इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, क्योंकि वो जोखिम ज्यादा उठा रहे होते हैं, और क्योंकि वो जोखिम ज्यादा उठा रहे होते हैं तो भाई उनकी एक्सपेक्टेशन भी ऊंची हो जाती है, और उनकी ऊंची एक्सपेक्टेशन की पूर्ति करना कंपनी का फर्ज बन जाता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो इक्विटी होल्डर्स उस कंपनी के शेयर्स बेचकर किसी दूसरी कंपनी को तलाशेंगे जो उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रही होंगे,
ठीक है ना। और उससे होगा क्या, उससे होगा कि आपके शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। जबकि हमने शुरू में ही समझा कि जो रिटर्न हम उतना रिटर्न इन्वेस्टर को दें कम से कम, जिससे कि हमारे शेयर्स का मार्केट प्राइस बना रहे, है ना। तो और लॉन्ग टर्म लोन में एक और भी फायदा होता है, इसमें जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना, इंटरेस्ट पर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। वो भी मैं चलो लगे हाथ बता ही देता हूँ कि अब देखो आपकी EBIT, इतना तो आप समझ ही चुके हो, EBIT 50,000 रुपये, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट पे करना है 10,000 रुपये का। ध्यान से समझना बात को, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आ गई, 40,000, और थोड़ी देर के लिए मैं टैक्स रेट 50% ले रहा हूँ समझाने के लिए, तो 20,000 रुपये टैक्स दे दिया। तो आपके पास अब जो नेट इनकम बचेगी, प्रेफरेंस शेयर को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, 20,000 रुपये बचे। अब सोचो, अब देखो आप 10,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हो, आपके पास लास्ट में 20,000 बचते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये 10,000 रुपये मुझे ना देना होता तो 50,000, फिर इंटरेस्ट तो मैं देता नहीं, ये 50,000 बचते, ठीक है, और टैक्स फिर 50%, 25,000 टैक्स चला जाता, तो नेट इनकम बचती 25,000। अब गौर से देखो, मैंने यहाँ 10,000 रुपये का खर्चा कम करा है, लेकिन फिर भी मेरी इनकम मात्र 5,000 रुपये ही बढ़ी है। क्यों बढ़ी? क्योंकि जितनी इनकम बचाई थी उसकी आधी तो टैक्स में चली गई। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ जो 10,000 रुपये में ब्याज दे रहा हूँ, उस ब्याज में जितना इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को 1-t कर दीजिए, एक्चुअल में इतनी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है ना। तो 10,000 रुपये ब्याज दे रहा हूँ और 50% टैक्स रेट है, तो 10,000 × 1 − 0.5, ठीक है, 10,000 × 1 − 0.5, एक्चुअल में लागत 5,000 रुपये पड़ रही है। और अगर ये टैक्स रेट 30% होती है, तो 1 − 0.30, यानी कि ये एक्चुअल में मेरी जेब से 7,000 रुपये ही जा रहे होते हैं। तो ये बेनिफिट और मिल जाता है जो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी के केस में नहीं मिलता, ठीक है ना। क्योंकि उनकी तो पेमेंट कब करते हो आप, टैक्स के बाद करते हो, है ना। उसमें तो उल्टा बल्कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और देना पड़ जाता है, और इसी वजह से जो इक्विटी कैपिटल है वो सबसे महंगी मानी जाती है, ठीक है, और डेट कैपिटल सबसे सस्ती मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप अंधाधुंध जो है सारा का सारा पैसा लोन से ही लें, क्योंकि अगर आपकी अर्निंग में गिरावट आई तो फिर आपके जो कह लो कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि और आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, तो उस चक्कर में आपकी कंपनी का लिक्विडेशन हो सकता है, आपकी असेट्स की बिक्री करवाई जा सकती है ना। तो इसलिए एक बैलेंस रखना जरूरी है, और ये बैलेंस कैसे रखते हैं, ये हम कुछ हद तक तो लीवरेज में समझ चुके हैं, बाकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी वाला चैप्टर आएगा वहां पर हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम से अब हम, क्योंकि आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या, कैसे होती है, अब नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम जो स्पेसिफिक कॉस्ट की मैंने बात करी, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वन बाय वन हम इन सबकी कॉस्ट को निकालना सीखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम ओवरऑल कॉस्ट है अपनी, उसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो इसको आप कर लेना एक बार प्रैक्टिस, फिर से समझ लेना।